फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ द सेंट्रल बीजेपी लीडरशिप, अगर कोई प्रोजेक्ट गुजरात जाता तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है कि अच्छी बात है चला ही गया, वो भी बीजेपी की स्टेट है। अगर महाराष्ट्र आता है वो भी कोई बुरी बात नहीं, वो भी बीजेपी की स्टेट है और वहां पे इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स वैसे भी पुराना है। आप इसको कैसे देखते हैं, दिस बिजनेस ऑफ ट्राइंग टू स्नैच अ प्रोजेक्ट अवे और पुल अ प्रोजेक्ट अवे इवन इफ इट हैपेंस टू बी अ बीजेपी स्टेट? एक सिर्फ मुझे ऐड कर रहा है उसमें, क्योंकि पीयूष जी ने इस बारे में बोला कि सर यहां जब ये प्रोजेक्ट जाने की बात हुई थी गुजरात में, तब ये कहा गया था बीजेपी के नेताओं की तरफ से कि भाई पाकिस्तान थोड़ी गया है, गुजरात ही गया है, देश में ही है। इसीलिए सवाल उठता है कि अगर सेंट्रल लीडरशिप अगर सोचे तो वो तो सोचेगी कि भाई दूसरे राज्य के पास जा रहा है, लेकिन अब महाराष्ट्र के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो उनके लिए तो लॉस है। तो ये जो डाइकोटॉमी है वो कैसे हैंडल होगी? नहीं, बहुत सीधी बात है। देखिए, मोदी जी ने पहले दिन से ये कहा है कि ये टीम इंडिया है, यहाँ कॉपरेटिव फेडरलिज्म भी चलेगा और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म भी चलेगा, और मैं महाराष्ट्र का उपमुख्यमंत्री हूँ तो मेरा ये मानना है कि चाहे जो हो महाराष्ट्र ही नंबर वन रहना चाहिए। उसके लिए मुझे किसी भी स्टेट के साथ कंपटीशन करना पड़े, अगर गुजरात एक रुपया इंसेंटिव देता है तो मैं 2 रुपये इंसेंटिव दूंगा, लेकिन प्रोजेक्ट मैं मेरे यहाँ लाऊंगा, ये बिल्कुल पक्का है। और मैंने तो ये स्पष्ट घोषणा की है 2019 तक हम नंबर वन थे, गुजरात हमारे पीछे था। पिछले 2 सालों में गुजरात हमसे आगे बढ़ा है, उनको बहुत शुभकामनाएं, लेकिन मैंने 2 साल का टारगेट सेट किया है और 2 साल के बाद आपके कॉन्क्लेव में आऊंगा तो महाराष्ट्र ही नंबर वन रहेगा।